तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करने? I love you बोलो और उसके बाद सीधा किस हो। इतनी हेल्प की मेरी? मैं नहीं हूँ। क्या सलमान लौटेंगे राधे बनकर? क्या इस बार होगी नई हीरोइन की एंट्री? क्या सिर्फ रोमांस होगा फिल्म में? लगता है सलमान खान इस साल पूरी तरह से अपनी कई सारी फिल्मों के साथ सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाने वाले हैं। एक के बाद एक उनकी नई फिल्मों की अनाउंसमेंट हो रही है और अभी हाल ही में फिल्म RRR की स्क्रीनिंग पर उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 की अनाउंसमेंट करके सबको चौंका दिया है। और अब उनकी बहुचर्चित फिल्म तेरे नाम 2 की मेकिंग की खबरें सामने आ रही हैं। फिल्म तेरे नाम 2 2003 में रिलीज हुई फिल्म तेरे नाम का सीक्वल बताई जा रही है। फिल्म तेरे नाम में सलमान खान के साथ साथ भूमिका सचिन खेड़ेकर जैसे कलाकारों को भी देखा गया था। सतीश कौशिक के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अपने टाइम की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी और आज भी लोग इसे खूब याद करते हैं। जब से फिल्म तेरे नाम 2 की खबरें सामने आई हैं, तब से ही ऑडियंस और सलमान के फैंस काफी एक्साइटेड हैं इन्हें राधे के अवतार में देखने के लिए। जी हाँ, तेरे नाम के सीक्वल में सलमान खान राधे के रूप में ही एक बार फिर से दिखने वाले हैं। इसके पहले उनके इस अवतार को उनके फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था और आज भी उनका ये रोल दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है। फिल्म तेरे नाम में दिखाया जाता है कि राधे जो कि सलमान खान का कैरेक्टर है उसे निर्जला नाम की फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और पूरी फिल्म उनकी लव स्टोरी पर बेस्ड होती है। तो लाजमी सी बात है कि इस फिल्म में भी सलमान के ऑपोजिट उनकी प्रेमिका का रोल निभाते हुए किसी अभिनेत्री को देखा जाएगा और इस बार फिल्म के मेकर्स किसी नए चेहरे को सिल्वर स्क्रीन पे उनके ऑपोजिट लाने की तैयारी में हैं। सलमान खान को बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस का डेब्यू कराने के लिए भी जाना जाता है जैसे कि डेजी शाह, एली एवराम, सोनाक्षी सिन्हा और कई और। तो एक बार फिर से सलमान इसी प्रथा को कंटिन्यू रखेंगे और एक नया चेहरा बॉलीवुड को देंगे। फिल्म तेरे नाम के पहले पार्ट में हमने देखा था कि रोमांस के साथ साथ फिल्म में भरपूर एक्शन भी देखने को मिला था, लेकिन इसके सीक्वल में हमें एक्शन का नामो निशान नहीं दिखने वाला है। जी हाँ, फिल्म तेरे नाम 2 एक पूरी रोमांटिक स्टोरी पर बेस्ड होगी और इसके स्क्रिप्ट इसके पहले पार्ट से एकदम हटके होगी। अब दर्शकों को इंतजार है तो इस फिल्म की रिलीज डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। क्या आपको लगता है कि नई निर्जला दर्शकों को लुभा पाएगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।